हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि जैसे छत पे हम दो टंकी रखते हैं मुमटी पे, ये देखिए एक टंकी इधर है एक टंकी इधर, तो दोनों को ज्वाइंट आपको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको ज्वाइंट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे अब हमारा मोटर का से जो पानी आ रहा है तो वो आधा इंच से आ रहा है, ये देखिए आधा इंच से, तो मोटर का पानी जो आता है वो प्रेशर में आता है। तो इसके लिए आप हमें जो क्या करना है वो यहाँ का जो पाइप ज्वाइंट करना है वो आधा इंची का नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये टंकी जिसमें मोटर का पानी आएगा वो टंकी भर जाएगा और ये दूसरा जो टंकी है वो नहीं भर पाएगा। तो इसके लिए हमें उस पाइप को थोड़ा सा मोटा साइज का लगाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आधा इंची से हमारा मोटर का पानी आ रहा है, तो यहाँ जो हमने लिया है एक इंची का पाइप ज्वाइंट करने के लिए लिया है, ये देखिए। और ज्वाइंट कैसे करना है, देखिए जैसे एक टैंक निप्पल इधर भी लगा हुआ है, एक टैंक निप्पल इधर भी लगा हुआ है, दोनों साइड एक एक टैंक निप्पल है, तो आपको इसमें ज्वाइंट हमें करना है इसलिए कि ताकि एक टैंक में पानी आएगा तो दूसरा भी अपने आप भरता रहेगा और फिर खाली भी होगा तो उसी तरह से होता रहेगा। मतलब चाहे ये टंकी में पानी हो या इस टंकी में हो, दोनों एवरेज दोनों एक साथ चलता रहे, एक साथ भरेगा एक साथ खाली होगा। तो दोस्तों, इस तरह आपको जॉइंट लगाना है। देखिए जैसे एक टंकी का मैंने ये लगा रखा है, ये देखिए एक इधर लगाना है और एक आपको इधर लगाना है, ये देखिए ये जॉइंट लग गया। अभी जॉइंट लगने से क्या हुआ कि हमारा एक टंकी में पानी भरेगा तो दूसरा भी अपने आप भर जाएगा, चाहे इधर से खाली हो या इधर से खाली हो, दोनों एक बार खाली होगा और दोनों एक बार भरेगा। तो दोस्तों, ये मैंने दोनों टंकी को कनेक्ट करने का तरीका मैं बतला रहा था आपको। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।